हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कल की क्लास आपको कैसी लगी थी बताइए जल्दी से मुझे। कल की क्लास आपको कैसी लगी? कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 3 एंड 4 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अब तक तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमको प्लस करना था, माइनस करना था, कहीं पर हमको साइंस को मल्टीप्लीकेशन करना था, कहीं पर उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। लेकिन अब क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमको एक डिजिट दी हुई है और हमें दूसरी डिजिट पता करनी है, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। -8 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या डिजिट ली जाए, यहाँ पर क्या डिजिट ली जाए कि आंसर हमारा 0 आ जाए, बताइए। देखिए, जब एक साइन माइनस का हो तो दूसरा साइन हम किसका ले सकते हैं, प्लस के साथ सेम नंबर ले सकते हैं। तब क्या होता है, नंबर से नंबर कट हो जाता है और आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक डिजिट माइनस साइन के साथ है तो हम दूसरी डिजिट को सेम प्लस साइन के साथ लेंगे। यानी प्लस लिखना यहाँ पर कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इट मींस क्या है, वो पॉजिटिव साइन है। तो -8 के साथ +8 लिखा और इसको हमने माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका, जब भी हमारे पास सेकेंड डिजिट ना हो और आंसर हमारे पास है और फर्स्ट डिजिट हमारे पास, हम क्या करेंगे, देखिए तब हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाली डिजिट को उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। यानी ये स्पेस ब्लैंक रहेगी, -8 को जब हम दूसरी साइड ले गए, ध्यान रखना जब भी किसी भी डिजिट को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर प्लस साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगा और एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा और डिवीजन एडिशन उसमें सब मल्टीप्लीकेशन में, समझ गए बात को। तो यहाँ पर जो 8 था वो किस साइन के साथ था, माइनस साइन के साथ। मैं उसको यहाँ से यहाँ लेकर गई तो वो किस में बदल गया, उसका जो साइन था वो पॉजिटिव बन गया। अब 0 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। का मतलब यहाँ कुछ नहीं था, मैंने x लिख लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास 8। अब आंसर तो सेम आ गया ना, चाहे आप ऐसे निकालो या आप ऐसे निकालो, लेकिन ये वाला जो मेथड है यानी सेकंड वाला जो मेथड है, ये आपको करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा और आगे तक हेल्प करेगा। अभी नहीं, जब आगे आप बड़ी बड़ी इक्वेशंस करेंगे तब आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग जो ये जो सेकेंड मेथड है इसको ही यूज करें, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। अभी हम बार 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 जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, 8 आ गया, 8 हमने यहाँ फिल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, प्लस 13 में क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए। फिर से वही करते हैं, क्या करेंगे हम, इस 13 को उठाकर हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये जो 13 है ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, 13। x की वैल्यू मिल गई ना आपको, -13 फिल कर देंगे, माइनस, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ तो सेम है, अगर एक डिजिट पॉजिटिव है पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर डिजिट सेम है और एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर 0, यानी आंसर यहाँ पर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4, अब -4 को दूसरी साइड लेकर जाइए तो क्या बनेगा, x = यानी यहाँ पर हमने x = -12 + 4, ठीक है। अब -12 में से 4 को माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या बचेगा, -8, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -8, और हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। -4 + -, आंसर क्या मिलेगा,
माइनस माइनस क्या होता है, होता तो प्लस है लेकिन साइन बड़े के सामने होता है। मिल गया ना हमें सेम आंसर, ठीक है ना। हमारा ये मेथड समझ में भी आ रहा है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यहाँ पर डिजिट ना हो तब भी सेम पैटर्न है, आप इस डिजिट को उठाकर दूसरी साइड ले जाइए। x इज इक्वल टू, ये इसके साइन के साथ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस 15। x की वैल्यू 10 में से 15 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, साइन तो हमारे पास प्लस का ही आएगा, कितना बचेगा 5। लिख लीजिए यहाँ पर 5, ठीक है, ये प्लस का, इससे पहले लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे चेक करके देख लीजिए कि प्लस 5 में माइनस 15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 ही तो आएगा, या ना हमें आंसर, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए लाइक का बटन दबा के आइए फटाफट, क्लास आपको बहुत पसंद आ रही है ना, पसंद आ रही है, अगर वाकई पसंद आ रही है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। फॉलो कर सकते हैं आप हमें फेसबुक पर भी, और ये मेरा लोगो है, यूट्यूब क्लासेस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, कोई चार्ज आपको नहीं देना, फुल कोर्स आपको मिलेगा, डेली एक क्लास आपको मिलेगी 1:30 PM पर, ठीक है। तो रेडी रहा कीजिए 1:30 PM पर नोटबुक और पेन के साथ। यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च करने के लिए अगर आप श्वेता क्लासेस के साथ मैथ भी डालेंगे तो आपको ये लोगो नजर आएगा। अगर आप क्लास को फॉलो करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्या किसी भी वीडियो में जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के मिडल में आपको एक आई बटन मिलता है, आप वहां से जाकर भी क्लासेस को देख सकते हो, कोई भी प्रीवियस क्लासेस जो आपको देखी है वहां प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड, बहुत सारे डिजिट आ गए, बहुत सारे साइन आ गए, कैसे सॉल्व करेंगे, परेशान हो गए, है ना, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, केवल स्टेप बाय स्टेप करता जाना है। चलिए माइनस 7 का ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 8 आ गया, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप एसोसिएटिव रूल लगा लीजिए, पहले किसी भी दो को आप प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर लिया, साइन किसका आ गया, जो बड़े से पहले था 25, अब यहां पर माइनस हो जाएगा साइन, लेकिन प्लस का आ जाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं, और आप लोगों का आंसर आया कि नहीं इस मेथड से, बताइए जल्दी से कि समझ में आया और आंसर आया, अगर दोनों काम हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आपने लाइक नहीं दबाया अभी तक, फटाफट से दबा दीजिए लाइक का बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ 4 डिजिट्स आ गई, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 13 प्लस 13 माइनस 8 माइनस, आप इनको अलग अलग एसोसिएटिव रूल से सॉल्व कर लेंगे, वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 32 में से 13 को माइनस कर, ठीक है, 32 में से 13 को माइनस कर, 12 में से 3 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 19, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेकिन साइन, आंसर क्या आ जाएगा, 10, क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। एसोसिएटिव रूल हमने कहाँ सीखे थे, हमने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में हमने काफी सारे रूल सीखे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखे थे ना, बस वही प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है ना, अगर हम प्रॉपर्टीज को यूज करते रहेंगे तो वो हमारे माइंड में रहेंगी, स्किप नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 90, अब कोई भी दो पहले कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर भी बाद में माइनस का आएगा। तो 19 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और 8 में से 1 माइनस किया तो 7। आंसर आ गया हमारा 75। आप लोगों का आंसर आया 75? आइए जल्दी से, सॉरी 75 नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइन यहाँ किसके हैं, दोनों साइन तो हमारे माइनस के हैं ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 105 आंसर आएगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 50, और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 40, और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन प्लस 2, यानी सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है, आंसर एक ही बार में आ जाएगा 92, ठीक है। क्लियर, आइए क्लियर, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है ना, सारे क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज के फिनिश हो चुके हैं। अगर आप लोगों को अब प्रैक्टिस करनी है तो एक बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अगर तब भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग टेलीग्राम पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है, या क्या चेंजेस आप और चाहते हैं क्लासेस में हम करें ना। आपके जो कमेंट है उनसे मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी सब कुछ जानता हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो अपनी लाइफ में दूसरों से सीखता है। कुछ मैं आपको सिखाऊंगी और कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगी, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, बाय बाय।